Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
हरे कृष्णा। हाँ हाँ, सब लोग शांति से बैठ जाए, वहाँ पर जगह है खाली है, सब लोग जाकर बैठ जाइए वहाँ पर, जो जो लोग आएंगे बाद में वहाँ बैठ जाए, वहाँ पर भी तो जगह है बाहर तो। हाँ क्या उधर उधर भी कुछ बढ़िया बढ़िया हवा आ रही है, हवा खा रहा। हाँ बेंगलोर तो ऐसा है, जो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन हवा तो जरूर मिलता है। हाँ एक बार सबके सब हाथ उठा के बोलो, बोला हरे कृष्णा, कोई बोल नहीं रही, कृष्णा कृष्णा हरे 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 नीति नहाने से हरे मिले तो जल जंतु होए, फल मूल खा के हरे मिले तो बादुर बंदर आए, तिरण भक्षण से हरे मिले तो बहुत रहिए अजा, स्त्री छोड़ के हरे मिले तो बहुत रहिए खोजा, दूध पीने से हरे मिले तो बहुत बस बाला, मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, बिना प्रेम से नंदलाला नहीं मिलते, चाहे जो कुछ भी कर लो, और प्रेम कैसे होगी कथा सुनने से, और कथा जैसे जैसे सुनने से नहीं होगा, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। रुक्मिणी मैया जी की आवाज सुनेंगे, केवल कथा सुनकर के कृष्ण के बारे में सुनकर के कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। विभीषण जी का हनुमंत जी से, राम जी का कथा सुनकर के उनके उनके प्रति प्रेम हो गया। जितने देखो भक्त सबका प्रेम उदय हुआ कथा सुनकर के, इसलिए कथा सुनने से ध्यान देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तो जसोदा माँ की स्तन्य दान में आ सकती, कृष्ण की स्तन्य पान में आ सकती, जसोदा माँ की जो दूध का भंडार है समुद्र अखिल रस के अमृत भरा हुआ, और कृष्ण के उदरे ब्रह्मांडो भंडोदर अनंत करोड़ ब्रह्मांड अंदर समा जाए तो भी पता नहीं चलता, ऐसे दोनों के अंदर जो प्रतिद्वंदिता चला, चूल्हा में बैठने वाला दूध ने सोचा मैं यहाँ पर जो अपने को तपा रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ भगवान की सेवा अधरामृत प्राप्ति करने के लिए, धिक्कार मेरा जीवन को, क्योंकि ना कि जसोदा माँ की दूध खत्म होगी ना कि कृष्ण की उदर पूर्ति होगी, दोनों में तो प्रतिद्वंदता चलता ही चलता रहेगा, मेरा जीवन को धिकार है, मर जाना ही चाहिए। पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिव, नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं ये माथा को पाषाण के पिटना चाहिए, अनल में घुस जाना चाहिए, अगर ये शरीर भगवान की सेवा में अगर नहीं आया क्या फायदा फिर। कहते इसलिए चूल्हा में जब जा रहे, लेकिन जो भक्त होते हैं उन्होंने खुद तो कृष्ण सेवा करते हैं और दूसरे को भी कृष्ण सेवा में लगाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो उन्होंने जसोदा माँ ने जिन्नी पुतना ने 10,000 हाथी का बल पुतना राक्षसी ने कृष्ण को दोनों हाथ में सा मुंच मुंच अलंगित प्रभासिनी, बस हो गया सा मुंच, अरे लाला छोड़ हो गया, पता लग गया और कभी नहीं आऊंगा लाला छोड़ दो, छुड़ा नहीं पाए, जसोदा माँ ने एक हाथ में पकड़ करके बैठा दी, क्योंकि कृष्ण पुतना के वशीभूत नहीं थे, लेकिन जसोदा माँ के सामने उनको कुछ काम नहीं करने वाला, ना ऐश्वर्य ना कुछ,
जसोदा माँ के तो बसीभूत थे, कृष्ण को बैठा दिए और जसोदा नंद रानी ने चली गई वो दूध को बचाने के लिए। कृष्ण के अंदर क्रोध आ गया, मैं भरा पेट नहीं पिया, मुझसे उनके लिए दूध ज्यादा हो गया, उन्होंने मुझे छोड़ करके दूध बचाने के लिए चली गई। कृष्ण के अंदर क्रोध आया। अभी लेकिन प्रश्न आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गुरु पादपद में इसी बात को बड़ा सुंदर रूप से व्याख्या करते थे कि अभी जसोदा माँ ने जो किया ये भक्ति का लक्षण है। तो भक्ति का लक्षण क्या है? अन्य भिड़ाशिता शून्यम ज्ञान कर्म जना वृतम आनुकुल्येन कृष्णानं भक्ति आनुकुल्येन सीडनं कृष्णानुसीडनं भक्तिरुत्तम। कृष्ण के अनुकूलता रूपी कृष्ण अनुसीडन ही भक्ति है। अभी तो ये कृष्ण का प्रतिकूल हो रहा है। जसोदा माँ कृष्ण को रुला करके दूध को बचाने के लिए जा रहे, उनका जो सील माने चेष्टा प्रयास, जसोदा माँ की जो चेष्टा है वो भक्ति है। तो कृष्ण को दुख देती है तो भक्ति कैसा होगी? और वहां पर चारुर मुष्टि को युद्ध करे, कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहे, कृष्ण तो बड़े अभिभूत हो रहे, वीर रस को आस्वादन करे, युद्ध करके बड़ा खुश हो रहे, तो चारुर मुष्टि का भक्ति हो जाएगा? बोले नहीं। आनकुल्यन मतलब रोचमान प्रवृत्ति, उनका साधक के हृदय में जो वृत्ति है ये अनुकूल होना चाहिए कृष्ण के प्रति। क्या है? चारुर मुष्टि जो सोच रहे, चाहे कृष्ण को था प्रति, कृष्ण की प्रतिकूल इसी जगत में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चारुर मुष्टि का जो कर है कृष्ण को चाहे आनंद मिल रहा है बाहर को देखने के लिए, लेकिन ये अतिव्याप्ति दोष के कारण दूषित है। क्यों दूषित है? ना इसीलिए चारुर मुष्टि के अंदर भावना है, हम कैसे युद्ध करके कृष्ण कंस से इनाम लेंगे और कृष्ण को मार डालेंगे। इसलिए कृष्णानुशीलन होने पर भी ये आनुकूल्यमय भावना नहीं होने के कारण वहां पर भक्ति नहीं है, लेकिन जसोदा माँ में माँ ने भक्ति है दिखाई देता है, भक्ति नहीं है क्योंकि माँ कृष्ण रो रहे हैं, लेकिन रोने पर भी जो प्रयास है जसोदा माँ के अंदर भावना क्या है? भावना वही है, मेरा दूध तो अभी नहीं बाद में पिलाऊंगी, पिला सकती, लेकिन चूल्हा में जो पद्मगंधा गाय का दूध बैठी है अगर ये चला जाएगा तो माखन किसमें बनेगा, कृष्ण की सेवा कैसे होगी? इसलिए प्रयोजन वस्तु से भी प्रयोजनीय वस्तु का बड़ा महत्व है, कृष्ण से भी कृष्ण सेवा की बड़ा महत्व होने के कारण कृष्ण को भी त्याग करके कृष्ण सेवा के लिए दौड़ पड़ी जसोदा माँ। इसलिए जसोदा माँ की करने वाला जो प्रयास बाहर को दिखाई देने पर भी भक्ति नहीं है, लेकिन ये वास्तव में भक्ति है। जसोदा माँ ने चूल्हा पे चूल्हा से दूध उठा करके पानी छिटका लगा करके दूध उठा करके जब आई, बड़ा मुश्किल हो गया था, बड़ा असुविधा।